वेलकम टू अवर चैनल टैक्स फॉर वेल्थ। तो व्यूवर्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा कि जो हमारी लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, हाउ टू एंटर इनटू द कैपिटल मार्केट, उसको आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर किया है, और मैं चाहूँगा कि आने वाली वीडियोज़ को भी आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। तो उस टाइम हमने जो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा, उसका एक ओवरव्यू था, लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके दो कॉम्पोनेंट हैं। कॉम्पोनेंट में अगर पहला कॉम्पोनेंट की बात की जाए तो कैपिटल मार्केट, और दूसरा है मनी मार्केट। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जब भी आप नाम सुनेंगे तो दोनों के बीच डिफरेंस जानने का सबसे पहला एक क्वेश्चन आपके मन में ही आएगा। तो जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट में जितने भी फंड्स ट्रेड होते हैं वो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लेकिन जो मनी मार्केट है वहाँ पर जितने भी फंड्स ट्रेड होंगे वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होंगे। अब जो शॉर्ट टर्म पीरियड में जो इंस्ट्रूमेंट्स आप ट्रेड करेंगे उसमें जनरली आते हैं ट्रेजरी बिल्स हो गए, आपके क्रेडिट नोट्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, लेकिन जब आप कैपिटल मार्केट में एंटर करेंगे वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स और भी बहुत तरह के होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि वो प्रोडक्ट्स जिनके थ्रू आप लोग मार्केट में अपने फंड्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने भी फेस वैल्यूज होती है इंस्ट्रूमेंट्स की, कैपिटल मार्केट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर फेस वैल्यू काफ़ी कम होती है। जनरली अगर शेयर्स की बात की जाए तो वहाँ पर फेस वैल्यू 10 रुपये या 15 रुपये प्रीमियम के साथ हो सकती है, लेकिन अगर हम मनी मार्केट में बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स की फेस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। मान लीजिए अगर ट्रेजरी बिल्स की बात करें तो वो 20,000 या 30,000 तक भी जा सकती है आपकी, ठीक है। अब अगर हम एक ओवरव्यू की बात करें, क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा मनी मार्केट, तो मनी मार्केट में जनरली काम कैसे होता है, मनी मार्केट किस लिए है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मनी मार्केट में जो फंड्स ट्रेड होते हैं वो जनरली शॉर्ट टर्म्स के होते हैं, उन्हीं की लैंडिंग, उन्हीं की बोरोइंग की जाती है, ठीक है। मनी मार्केट में जितना भी डील होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, और उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो जनरली एक साल या उससे कम की मैच्योरिटी पीरियड के लिए होंगे। अब शॉर्ट टर्म पीरियड भी इसमें एक तो लिक्विडिटी पीरियड हो गया, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड जिसमें 6 महीने या उससे पहले ही आपके इंस्ट्रूमेंट्स मैच्योर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप नॉर्मली बात करें तो वो एक साल या उससे पहले ही आपके इंस्ट्रूमेंट्स मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसके कुछ मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके, और जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ होती हैं वो हो गई आपकी, ठीक है। मनी मार्केट में यही इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जनरली ट्रेड होते हैं और लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं, और जो मनी मार्केट के प्लेयर्स हैं या जो मनी मार्केट का रेगुलेटर है उसके बारे में अगर हम आगे डिस्कस करें तो मनी मार्केट का जो रेगुलेटर है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिकॉज मनी मार्केट में जो मेजर प्लेयर होता है वो होता है गवर्नमेंट। आप किसी भी इकोनॉमी में अगर बात करें, नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि वर्ल्ड में किसी भी इकोनॉमी में अगर आप बात करें तो मनी मार्केट का मेजर प्लेयर गवर्नमेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फंड्स जुटाने की मार्केट से, और जो गवर्नमेंट फंड्स लेती है उनको कोशिश करती है कि टाइम टू टाइम और काफ़ी जल्दी पीरियड में उनको वापस पे ऑफ कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना GDP रेशो और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उसको भी कवर अप करके चलना पड़ता है। तो जो मेजर प्लेयर होता है इसका वो होता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के साथ एक रेगुलेटर चाहिए, क्योंकि अगर आप कैपिटल मार्केट में घुसेंगे तो वहाँ पर रेगुलेटर होता है SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो रेगुलेटर का काम करता है वो है RBI। गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं वो सब RBI इशू करता है, ठीक है। अगर हम एक और मेजर प्लेयर की बात करें तो वो है बैंकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि जितने भी RBI के थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो जनरली बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बनाए जाते हैं, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होंगे वो सारे के सारे आपके बैंकिंग चैनल्स के थ्रू या जितने भी इंडिया में बैंक्स हैं उनके थ्रू ट्रेड होंगे, उन्हीं के थ्रू ऑर्डर्स डाले जाएंगे, उन्हीं के थ्रू सेल परचेज होगी, ठीक है। बाकी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए जो RBI के पास रजिस्टर्ड होंगे, और बाकी कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर या कोई बीच में ब्रोकरेज लेने वाला कोई भी ऐसा प्लेयर यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन कस्टमर, बैंक्स और RBI, ठीक है। अब जो मनी मार्केट है उसका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है। मनी मार्केट में जनरली अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर जो ट्रेड सेटलमेंट होता है वो विद इन 1 डे हो जाता है, लेकिन जो कैपिटल मार्केट है वहाँ पर जितना भी सेटलमेंट होता है वो ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज में होता है। यानी कि अगर आपने आज ट्रांजैक्शन करी तो वो सेटलमेंट परसों या एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे आपका पूरा होगा, ठीक है। यहाँ पर जितना भी आपको ट्रेड करना है वो आप टेलीफोन पे या अपने सेलफोन के थ्रू कर सकते हैं, उसके लिए लेकिन आपको बैंक्स में जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा,
ठीक है, और बाकी आपको एक कंफर्मेशन देनी पड़ेगी जिसमें आपको ये पावर ऑफ अटोर्नी बैंक को देनी पड़ेगी कि वो आपके बिहाफ पे बोरो या लेंड कर सके पैसे को और इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स के अगर मैं आपको नाम बताऊं जो जनरली अभी नए हैं मार्केट में, लेकिन पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप लोग ट्रेड करने जाएंगे और आपके सामने किसी ने ऑप्शन धर रख दिया ये, तो आप लोग कैसे उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस मार्केट में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गया। अब ट्रेजरी बिल्स को अगर हम बात करें तो ये फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में, लेकिन अभी आप ऊपर का ओवरव्यू ले लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को जो हम शुरू करें तो आपको याद हो कि हम लोग किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कमर्शियल पेपर्स हो गए, कॉल मनी हो गया, और जो आपके जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स में, फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपका रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, उसके ऊपर मिलने वाले जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो, और बाकी कुछ कमर्शियल बिल्स होते हैं जो या तो कंपनी के थ्रू इशू किए जाएंगे या फिर जो गवर्नमेंट की कंपनीज है जिनको हम नवरत्न कहते हैं, नवरत्न कंपनियां हो गई, उन सबसे जो इशू किए जाते हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट में ट्रेड होते हैं जनरली। अब तो व्यूवर्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी डिटेलिंग क्या होगी। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप आज की वीडियो को भी देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।